कुछ नहीं आ रही, कैसे जाऊं? ओ भाई भयंकर ठंड है शिमला में, गूजबम्स देख रहे हो आप लोग? हे भगवान, इस बस को भी अभी खराब होना था क्या? चलिए जी, हो गई किन्नौर में एंट्री। गांव में बाढ़ आने की वजह से क्या हाल हो गए यार रोड के। जाती है गाड़ी 16, 17, 18, 19, 21, 22 ज्यादा नहीं हो गई? 8 साल से उसी कॉर्नर में मिल रहे हैं। आगे प्रपोज करने वाला हूं, रिंग भी लाई है साथ में। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 5:15 बज चुके हैं और मैं अपना बोरिया वो यार उंगली में ना इसका वो लग गया था। हाँ तो मैं ये कह रही थी, सुबह के 5:15 हो रहे हैं और मैं अभी निकल पड़ी हूँ बस की तलाश में। गाइस सुबह के 5:30 हो गए और मैं यहाँ नीचे पहुँच गई हूँ NH पे। अब मुझे वेट करना पड़ेगा यार यहाँ से ना चंपागाड़ तक के लिए मुझे लिफ्ट मिल जाए। मैं नज़र आ रही हूँ आप लोगों को, एक गाड़ी नहीं आ रही और जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो ट्रक आ रही है और उनको तो मैं रोक नहीं सकती। थैंक गॉड एक गाड़ी वाले ने लिफ्ट दे दी सुबह सुबह, तो ये मुझे चंपागाड़ तक छोड़ देंगे। भला हूँ उस गाड़ी वाले का, थैंक गॉड उसे मुझे यहाँ पहुँचा दिया। और 6:45 हो रहे हैं एंड आई डोंट नो कि दिल्ली सांगला वाली बस चली गई होगी कि नहीं। अगर तो वो नहीं गई तो मैं उस पर चले जाऊँगी, अगर वो चली गई है तो मुझे दूसरी बस देखनी पड़ेगी यहाँ से। बस आ जा। 6 बज गए अभी तक एक बस नहीं आई, दिल्ली सांगला वाली तो शायद मैंने छोड़ दी। लेट्स सी, वैसे तो किनफेड है नहीं आज, बट मैं आई एम नॉट श्योर कि है कि नहीं है, किनफेड बस आ जाएगी कि नहीं। अगर तो वो आ जाए तो फिर उसमें निकलती हूँ, नहीं तो फिर शिमला की कोई बस पकड़नी पड़ेगी। सडनली आई रियलाइज कि मैंने तो यार कॉम भी नहीं किया आज, मतलब मैं वहीं बाल बांध के आ गई फटाफट में। सुबह सुबह तैयार होने का इतना आलस आ रहा था ना बाइक, और जैसे तैसे हो के आ गई, कुछ नहीं आ रही, कैसे जाऊँ। कुछ देर वेट करने के बाद मुझे PRTC की बस मिल गई जो कि शिमला जा रही थी, तो मैं इसमें बैठ गई एंड फिर हम पहुंच गए शिमला और वहां से मुझे लकीली मिल गई रामपुर वाली बस, तो एक प्राइवेट बस है, मैं इसमें बैठकर रामपुर के लिए निकल गई। Few moments later. ओ भाई साहब कितनी ठंड है, तुम लोग देख रहे हो मेरे हाथ में गूज़बम्स, भयंकर ठंड है गाइस। कोई मिल गया, मैं जिस तरह से जादू बोलता रहता है ना धूप धूप, बस मैं भी पूरे रास्ते यही बोल रही थी धूप धूप, और मुझे धूप मिल गई फाइनली। और ये देखो सामने के नज़ारे, अब हम निकल चुके हैं रामपुर की ओर आगे। इसी के साथ हम पहुंच गए हमारे रामपुर बुशहर। ओके 12 बज चुके दोस्तों और मैं रामपुर पहुंच गई। बस नीचे बस स्टैंड नहीं जा रही थी, वो थोड़ा ऊपर ना वर्कशॉप के सामने रुकी, तो अब मुझे यहाँ से नीचे पैदल जाना पड़ रहा है। ये लो जी पहुंच गए हम रामपुर के बस स्टैंड और यहाँ पर अब मैं बस का वेट करना है मुझे, कि किन्नौर वाली कोई बस लगी होगी तो उसमें बैठ के जाऊँगी। साथ ही साथ मुझे ना मुझे अपने एक फ्रेंड से भी मिलना है, तो आप लोगों को भी मिलाती हूँ। देखो हमारे व्लॉग में आज कौन आया है, कौन है आप? तारीफ करो ना थोड़ी। अच्छा तारीफ करो, थोड़ी सी तारीफ के हे रहा नहीं जाता। ये महाशय है 2016 से हमारे दोस्त और हम हमेशा बस स्टैंड में मिलते हैं और आज भी हम बस स्टैंड में मिले। ये आज मैं प्रपोज करने वाला हूं, मैंने रिंग भी लाई है साथ में। निकाला है यार। फाइनली गाइस काफी समय बाद मोमो, और ये दूसरा मोमो इंसान मैं भी हूं। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा हूँ। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर। आज हम आपको सिखाएंगे मोमोज खाना और थोड़ा सा लालच दे रही हूँ इसी बहाने, सबसे पहले मोमोज को यूं चटनी में डिप करें। अच्छा, फिर उसके बाद केचप में डिप। ठीक है समरिया। और उसके बाद मोमो को जमी है यार, चंडीगढ़ में नहीं मिलते मोमोज अच्छे, पता है? तब तो आगे जाना चाहिए हमारे को बाजार। और वापिस कब जाओगे आप? मैंने जाना है बर्थडे के बाद। वो बर्थडे कब है? घर से देखो इस प्राणी को गाइस। कब है आपका बर्थडे? ये इंसान मुझे 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ज्यादा नहीं हो गए? ज्यादा नहीं हो गए? 8 साल हो गए? इतने तो हमारे बच्चे बहुत बड़े बड़े हो गए। क्या किया हमने, दोस्ती करते रहे। क्या बोलते हैं सुनो, 8 साल हो गए विश्वास। आपको याद है हम 2016 में जब फर्स्ट टाइम मिले थे, मेरे बर्थडे के टाइम ही मिले थे, मेरे बर्थडे से एक दिन पहले यहाँ नीचे यहाँ नीचे मिले थे। बोलो बोलो क्या
हम 8 साल से उसी कॉर्नर में मिल रहे हैं। आज हमने जगह बदली है मोमोज खाने के लिए, बाकी अदरवाइज हम हमेशा वही मिलते हैं रामपुर बस स्टैंड में। वो हमारा पर्सनल गुरु है बस स्टैंड में। और यही नहीं, ये कभी पहले सोलन भी आते थे या चंडीगढ़ आए ना, जितने वहाँ भी बस स्टैंड सोलन में भी बस स्टैंड में मिले, चंडीगढ़ में भी, जीरकपुर में बस स्टैंड में मिले। तो हमारा मतलब बस स्टैंड के अलावा हमको कभी कहीं मिले ही नहीं है। हमारा प्यारी बस स्टैंड है, बस स्टैंड के अलावा प्यारी नहीं है हमारा। 5 minutes later वो तो चले गया, मैं वेट कर रही हूँ बस का, जल्दी आ जाओ यार। तुम लोग मेरा हुलिया देखोगे ना, मैं बिल्कुल डाकू मंगल सिंह बनी हुई। एक्चुअली ना लोग ऐसे देख रहे थे, पहचानते पहचानते बोलते हुए, तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था, तो इसलिए मैंने मास्क वास्क लगा दिया, चश्मे पहन के बैठ गई। ये लो जी, अच्छा मजाक हो गया मेरे साथ। सोलन से मुझे जिस बस में आना था ना किनफेड, वो बस मुझे रामपुर में मिली है। मैं थोड़ा सा वेट करती चंबा घाट में तो शायद मैं किनफेड में ही आ रही होती, तो मुझे ऐसे धक्के नहीं खाना पड़ता। एनीवेज यहाँ मिल गई मुझे बस, अब मैं निकल रुकी नॉर की ओर, और मैं देखो कैसे बैठी हूँ आराम से मस्त चौकड़ी मार के। तो चलिए जी, लेते हैं प्रभु का नाम और करते हैं सफर आगे का तय अपना, पहुँचते हैं किन्नौर जल्दी जल्दी। 2 बज गए दोस्तों और मैं पहुँची हूँ जूड़ी। मिठाई विठाई ले लेते हैं यार घर के लिए। चलो 1/2 kg मिक्स मिठाई ले लिए, मिठाई, और हमारी बस खड़ी है वहाँ आगे। इसी के साथ बजाइए तालियां, हमारी बस हो चुकी है खराब और हमारा समय इसी तरह से व्यर्थ होता जा रहा है। बहुत गर्मी लग रही है यार, ऊपर से बस खराब हो गई दिन ही अच्छा नहीं है। ये ताकी से पीछे होगा कि नहीं आप लोगों ने? हाँ भाई हाँ, जल्दी ताकी से पीछे हो जाओ सभी के सभी। मेरी हालत देख के आप लोग को वैसे लग रहा होगा, पता मेरी कितनी ज्यादा बैंड बच चुकी है। मेरे को ना यार पेट में दर्द शुरू हो गया बस में बैठे बैठे, बैंड बच चुकी है दोस्तों, बैंड बैंड। एनीवेज चलो आगे नज़ारे दिखाती हूँ आप लोग को। ये कर लिए हमने किन्नौर में एंट्री और ये हमारा सामने त्रांडा डांक। 4:30 बज चुके और हम पहुंच गए टापरी, और मैं तो पूरी पैक होके बैठी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ रही थी, सामने से खिड़की खोलना पड़ा था। और ये देखो मेरी शर्ट से कैसे, टी शर्ट से कैसे धूल झड़क रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी धूल मिट्टी खा के आई हूँ। पहुँच गई मैं करछम दोस्तों, और अभी भैया आ रहे हैं मुझे लेने यहाँ पे, एंड दीदी भी है मेरे रिकॉन्क्वेस्ट आ रहे हैं, तो हम दोनों को साथ में भैया पिक करेंगे और फिर हम जाएंगे अभी घर। तुमको पता है मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे को इतना, एक तो मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, एकदम से मैंने मोमोज खाए तो वो थोड़ी गैस्ट्रिक सी होगी, ऊपर से मुझे ऐसे ना पब्लिक वॉशरूम यूज़ करती हूँ तो मुझे UTI इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो भी साथ साथ में, तो मेरी बैंड बन चुकी है इस वक्त। लो जी भैया आगे हमें लेने और अब हम जा रहे हैं घर की ओर। यार देखो कितना ज़्यादा स्लाइड्स हुआ हुआ था, आप लोगों ने बारिश के दौरान देखे होंगे न्यूज़ में किन्नौर के क्या हाल थे, उनमें से एक हाल मेरे गांव का भी था। ये वाला जो सीन है ना गाइस, ये आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में भी, फ्लड जो आया हुआ था बुरुआ गांव में, वो सामने यहाँ पर आया था। जब गांव में फ्लड आया था ना तो ये पुल भी चला गया था साथ में, तो ये अभी नया बनाया 15 अगस्त के दिन, और अभी देखो यार रोड के क्या हाल हो गए हैं, पूरे ख़राब हो गए हैं, बहुत लॉस हुआ है गाइस। जाती है गाड़ी ले जाते जैसे तैसे स्ट्रगल करते हुए पहुंच ही गई आखिरकार मैं घर, और फिलहाल बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ, तो इस नज़ारों के साथ मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। बाकी आगे आप लोगों को कल मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में, रक्षाबंधन वाले में, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, टाटा बाय।